हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल आर्यन ग्लोरी में। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे परसेंटेज पार्ट 3। और हमने आपको परसेंटेज पार्ट 1 में बताया था प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और पार्ट 2 में बताया था प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और आज हम आप लोगों को पार्ट 3 में बताएंगे कि यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से एक्स परसेंट अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए की आय अधिक है कि बी की आय अधिक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ ध्यान से आप सुनिए। ए की आय बी की आय से एक्स परसेंट अधिक है, तो इसका मतलब जो ए की आय है वो अधिक है और बी की आय कम है। तो इसमें पूछा ये गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो हमें पता है कि ए की आय अधिक है और बी की आय कम है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस एक्स। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि खुशी की आय मनीष की आय से 25% अधिक है तो मनीष की आय खुशी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इसके लिए हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस एक्स। तो हमारा x कितना है 25%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ 25। अब जब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस। हमारा x कितना है 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 प्लस 25। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2500 अपॉन, जब आप 100 में 25 ऐड करेंगे कितना आएगा 125। 125 2 250। अब हमारे यहाँ पर 10 बच गया, तो यहाँ पर हम 10 को उतार देंगे, कितना हो जाएगा 20%। मतलब B की आय A की आय से 20% कम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A की आय B की आय से X परसेंट कम है तो B की आय A की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। तो इसके लिए बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि A की आय कम है कि B की आय कम है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि A की आय कम है और B की आय अधिक है। तो बस इसमें पूछा ये है कि B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इसमें हमें पता है कि A की आय कम है और B की आय अधिक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस x। तो हमारा क्वेश्चन है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो x हमारा कितना है 20%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ 20 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस x। तो x हमारा कितना है 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 माइनस 20।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2000 अपॉन, जब आप 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना होगा, 80। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80। अब हमारा ये 10 से 10 कट कर देंगे, अब हमारा बचा 200 अपॉन 8, तो 8 2 16। अब हमारा नीचे बच गया 4, तो जब हम 0 को उतारेंगे कितना हो जाएगा, 40, तो 8 5 40, तो हमारा हो जाएगा 25%। इसका मतलब श्याम का वेतन राम के वेतन से 25% अधिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपीज का 20% कितना होगा। तो इसके लिए जब ये 1 रुपीज है तो हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा होता है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 20 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर 100 पैसा है, तो मल्टीप्लाई 100। अब हमारा ये 100 से 100 कट जाएगा, अब हमारा कितना बचा, 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 पैसा। तो इसमें बस हम कुछ नहीं करते हैं, जितना पूछा है 20% है, तो हम परसेंट के साइन को हटा करके यहाँ पर पैसा का साइन लगा देते हैं। मान लीजिए यदि पूछ दे कि 1 रुपीज का 10% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटा करके पैसे का साइन लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 पैसा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 2 रुपीज का 20% कितना होगा, जब हम 2 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 200, तो हम इसको लिखेंगे 20 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100। अब हमारा 20 से 20 कट गया, अब हमारा बचा 20 अपॉन 2, तो 2 10 20, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10 पैसा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जितना पूछा है 20% पूछा है, तो अब हम 20 का आधा कर देंगे, तो 20 का आधा कितना होता है, 10, और ये जो परसेंटेज का साइन है इसकी जगह पर हम पैसे का साइन लगा देंगे, तो 20 का आधा हो जाएगा 10, और यहाँ पर पैसे का साइन लगा देंगे कितना हो जाएगा, 10 पैसा। अब मान लीजिए यहाँ पर रहे कि 2 रुपीज का 10% कितना होगा, तो हम 10 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, अब परसेंटेज के साइन की जगह पैसे का साइन लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 पैसा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, 2 पैसा 1 रुपीज का कितना परसेंट होगा, तो हमारा है 2 पैसा। तो बस हम उसमें क्या करते थे कि परसेंटेज की जगह पैसे का साइन लगा देते थे, और इसमें हम क्या करेंगे, पैसे की जगह परसेंटेज का साइन लगा देंगे। जब ये खुद ही पैसे में है तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो अब हम ये 2 पैसा है तो इसको हम क्या कर देंगे, 2%। तो यदि आप जानना चाहें कि ये 2% आया कैसे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। अब हमारा ये 100 से 100 कट जाएगा, अब हमारा बचा 2, तो हो जाएगा 2%। तो इसका ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए जहाँ पर पैसे का साइन है यहाँ पर आप परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। अब मान लीजिए है कि 6 पैसे 1 रुपीज का कितना परसेंट होगा, तब यहाँ पर 6 पैसे है, तो हमारा हो जाएगा 6%। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, 7 अपॉन 10 बराबर है, तो अब आप बताइए कि 0.7% के बराबर है कि 0.7% के बराबर है कि 7% के बराबर है कि 70% के बराबर है। चलिए आइए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसके लिए पहले हम 7 अपॉन 10 को सॉल्व करेंगे। 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100। अब हमारा 10 से 10 कट जाएगा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 10
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 70%। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 70%। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।